Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पर confirmation देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पर confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? Hello Parveen, good evening Shubham, hello Munna, good evening Srishti, good evening अभिनव, गुड इवनिंग माधुरी, गुड इवनिंग मास्टर जी नहीं आए, माधुरी कैसे हो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हनी, गुड इवनिंग माया, गुड इवनिंग माधुरी. गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग विक्की, गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग दिनेश, हेलो पलक, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग संजीत, गुड इवनिंग एलन मस्क, गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग रोशनी विलियम, गुड इवनिंग अनूप, गुड इवनिंग मयूर, गुड इवनिंग निर्मल नितिन, गुड इवनिंग मोहम्मद जीशान, गुड इवनिंग हिमाली, लेट्स इजी वे सर, बैटरी नॉर्मल नॉमिल, गुड इवनिंग विजुअलाइजर अर्शु, गुड इवनिंग विपिन, गुड इवनिंग शिल्पी, गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग अमर, गुड इवनिंग जेश्री, गुड इवनिंग विशु. चलिए फटाफट गाइस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फास्ट. आज का सेशन एकदम खूंखार सा होने वाला है. आज का सेशन एकदम खूंखार सा होने वाला है. खूंखार समझते हो ना बे? नहीं समझते हो, ये सब तुम लोग खुद ही समझते हो. सब क्लियर है? आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है? क्या बात, क्या बात. गुड इवनिंग मनोजीत, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग सुष्मिता. फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी बच्चे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. और गाइस आप लोगों को, आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को पता है गाइस आज टीचर्स डे, और इस टीचर्स डे पर आपके टीचर मोहित सर के द्वारा आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा प्राइज दिया जा रहा है. और वो प्राइज ये है कि आज के दिन आपको AEJEE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन जो है, आज के दिन आपको AEJEE इलेक्ट्रिकल का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी पूरे पूरे 1 ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 4067 रुपीज का मिलने वाला है. और साथ ही साथ में 4067 के साथ साथ कब, जब आप अप्लाई करते हो कूपन कोड, इस कूपन कोड का नाम है मोहित के. तो अगर गाइस आप मोहित के अप्लाई करते हो तो आपको यही सब्सक्रिप्शन से 4067 का मिलने वाला है 12 मंथ्स के लिए. बट 12 मंथ के साथ एक और चीज मिलने वाली है कि आपको इसके अंदर एडिशनल 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ बाद ही आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, है ना? ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 15 मंथ्स हो जाएगी. तो गाइस मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज जो भी बच्चा इस टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेना चाहता है, ठीक है, वो ले ले, चाहे वो AEJEE इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो AEJEE मैकेनिकल के बच्चे हो, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, सिविल के स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, मोहित के कूपन कोड लगाना ये भी सजेस्ट कर सकते हो. क्लियर सर? कार नहीं दे रहे क्या? अरे भाई बार बार कार थोड़ी मिल पाएगी. गलत कर रहा है बेटा प्रदीप, तेरे को तो बताता हूँ मैं, ऐसा कैसे नहीं लग रहा है तेरा 5809, तो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे नहीं लग रहा है. मैं लगाऊंगा, जबरन नहीं लग रहा है तेरा, दुनिया भर का लग रहा है, तेरा अकेले का नहीं लग रहा है, फिर लगा के दिखाऊंगा तो लग जाएगा. मैं कोई अलग से थोड़ी लगा रहा हूँ. चलो ठीक है. सो गाइस द थिंग इज कि सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पे, सबका लग रहा है क्लास के बाद बताना तू मेरे को, फिर बताता हूँ मैं क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, सब लगाता हूँ. चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग सेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर AEJEE एग्जाम. और आपको पता है गाइस आजकल हम डेली, है ना, डेली शाम को 5 बजे मिलते हैं और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक डेडिकेटली तैयारी करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फॉर योर DRDO सेप्टम EC इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, उनके लिए बेहतरीन सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं. गाइज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये सेशन देखने के बाद जब आप अपना DRDO का पेपर देने जाओगे या अपना SSC JEE का पेपर देने जाओगे, तब आपको पता चलेगा DRDO या SSC JEE का पेपर देने जब जाओगे आप, क्लियर, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा. क्लियर? तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा. क्लियर? तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा. तब आपको एक्चुअल में, ठीक है प्रदीप भाई आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मेरे कराए हुए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले या नहीं मिले. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस अगेन ये बोलूंगा कि जो भी बच्चों ने मुझसे बेटा पहले टेक्स्ट बुक सुपर को, पहले आप लोगों ने, जिन बच्चों ने मुझसे ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें देख रखे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा उनके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का फायदा ये है कि आपको सारे टेस्ट वगैरह इसमें प्रॉपर मिल जाते हैं, बहुत सारे बैचेस अलग अलग आपको मिल जाते हैं, नॉन टेक्निकल का बैच आपको मिल जाता है, प्लस साथ ही साथ में इसके बाद आपको मेरी लाइव क्लासेस मिल जाती है, वो लाइव क्लासेस जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होती हैं. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही बोलूंगा जिन बच्चों ने आज तक मुझसे पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ वो यही वाली क्लासेस देखते हैं, उनको तो ले लेना चाहिए क्योंकि इससे कम कॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी कभी भी. ठीक है,
क्लियर। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं फाइनली एकदम मस्त वे में मचाते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। कहाँ गए भैया क्वेश्चन अंकल? सब लोग बुलाएंगे क्वेश्चन अंकल जी, जल्दी बोलो, सभी लोग बुलाएंगे क्वेश्चन अंकल जी, तो तुरंत क्वेश्चन अंकल जी आ जाएंगे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। चलिए सो क्वेश्चन, ये एक टनल डायोड के अंदर, ठीक है, एक टनल डायोड एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट? नो नो, चलिए। सो गाइस एक टनल डायोड की अगर हम बात करते हैं तो विड्थ जो होती है जंक्शन बैरियर की वो क्या होती है? एक टनल डायोड में जो जंक्शन की विड्थ जो होती है जंक्शन बैरियर की वो क्या होती है? एक टनल डायोड में जंक्शन बैरियर की जो विड्थ होती है वो क्या होती है? एक टनल डायोड में जो जंक्शन बैरियर की विड्थ होती है, एक टनल डायोड में जो जंक्शन बैरियर की विड्थ होती है वो क्या होती है? एक टनल डायोड में जो विड्थ होती है जंक्शन बैरियर की वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी। आधे बच्चों की यकीन मानो दिल से बोल रहा हूँ हवा खिसक गई है ना, आधे बच्चों की दिल से हवा खिसक गई है, ई का क्वेश्चन पूछ लिए मास्टर। चलिए चलिए यस आशु, ठीक। अब एक बात बताओगे तुम लोग, एक बार बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या पागल लिखा के जन्म लिए थे क्या? एक बार लिखो, यहाँ यहाँ लिखवा लियो कि तुम पागल है। जब वहां लिखा है एलिजिबल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब ये क्यों समझते हो एलिजिबल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? और जब वहां लिखा है एलिजिबल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वहां ये क्यों समझते हो एलिजिबल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? यहाँ पागल लिखा के जन्म लिए थे क्या भाई? मेरे को बताओ पागल पागल मतलब क्या लिखे थे? अगर कहीं लिखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट टू ब्रांच, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मतलब क्या था? उसके समतुल्य, तो समतुल्य में फिर सब आ गए, लेकिन जब लिखा ही नहीं है समतुल्य है तो वही मान के चलोगे ना यहाँ पागल लिखा लिए हो क्या भाई? फिर मेरे मुंह से पागल की जगह कुछ और निकलने वाला था, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। चलो चलिए, आ जाइए सवाल करते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा यार, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इन अ टनल डायोड जो हमारी विड्थ होती है ना बेटा जंक्शन बैरियर की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एज स्क्वायर रूट ऑफ इंप्योरिटी कंसंट्रेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंप्योरिटी, एक इनवर्स इंप्योरिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियरिटी है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। Which of the following error occurs in only AC measurement? एक AC measurement के अंदर की अगर हम बात करेंगे, एक AC measurement की अगर हम बात करेंगे, क्या होगा यार? अरे सर जी भगवान ज्ञान बांट रहे थे तो पीछे खड़े थे, अबे पीछे नहीं खड़े थे तुम कहीं खड़े ही नहीं थे भाई, ये मोहित कसन है सर, ऑफिशियल कौन है यार? ये मोहित कसन है सर, ऑफिशियल कौन आ गया है? ये मोहित कासन सर ऑफिशियल कौन आ गया? ये भाई मेरे नाम से कौन आ गया भाई? है ये मेरे नाम से कौन आ गया? मत करो यार ऐसे काम, ऐसे काम मत करो यार। हु इज मोहित कासन सर ऑफिशियल? है मेरा ऑफिशियल कौन आ गया भाई? मेरा ऑफिशियल कौन आ गया? टीम को बोलो पता लगाए हु इज मोहित कासन सर ऑफिशियल? नहीं भाई मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। चलो एनीवेज आ जाइए नेक्स्ट।
आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो भाई पढ़ो, अब शांति से, अब शांत हो जाओ यार, अब शांत हो जाओ, है ना, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी होता है, अब यहाँ पे आ जाओ शांति से पढ़ाई करते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर ओनली अकर इन एसी मेजरमेंट, बेटा वो कौन सा एरर है, अब मैं शांति से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। Which of the following errors in only in AC measurement? Error due to change in impedance of the coil and stray field, error due to hysteresis and stray field, error due to change in impedance of the coil and change in the magnitude of eddy current, ये error due to hysteresis losses। तो बेटा एक बार बताओ, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सी एरर है जो केवल एसी में ही पाई जाती है, और अगर कोई एरर एसी में ही पाई जाती है तो एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड स्ट्रे फील्ड्स होती है। एरर ड्यू टू क्या होती है, एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड स्ट्रे फील्ड्स, एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड स्ट्रे फील्ड। तो हिस्टेरेसिस और स्ट्रे फील्ड की मदद से जो एरर आती है गाइस, ये बेसिकली क्या होती है आपकी, ये बेसिकली आपकी क्या होती है, ये बेसिकली आपकी हो जाती है क्या, ये बेसिकली हो जाती है आप लोगों की एरर ड्यू ओनली इन एसी मेजरमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज, एक आइडियल ट्रांसफार्मर का परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, क्या बात है सूरज कुमार तिवारी जी। चलिए तो सही गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर हैप्पी टीचर्स डे के लिए, आपकी विशेष के लिए, अब वापस से आ जाओ पढ़ाई करो यार, है ना, पढ़ाई करो भाई, एनर्जी दो सेशन के अंदर, क्या कर रहे हो यार तुम, आज भी सेशन में तुम एनर्जी नहीं डाल रहे हो यार, आज तो तुमको डालना चाहिए कम से कम। चलिए, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है ना मेरे लाल, वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो जीरो होता है, वोल्टेज का ड्रॉप जीरो होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल, दो टाइप के ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं, एक होता है मिनिमम ऑयल, क्लियर, एक होता है मिनिमम ऑयल और एक होता है आपका, एक होता है मिनिमम ऑयल और एक कौन सा होता है आपका, एक कौन सा ऑयल होता है, बल्क ऑयल। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर वो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है जिसके अंदर आपको बताना है टू एक्ट एज सर्किट ब्रेकिंग मीडियम ओनली, है ना, इना मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल क्यों यूज करते हैं भाई, सीधी सी बात, ऑयल यूज करते हैं आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, बुझाने के लिए, तो एक्ट एज अ सर्किट ब्रेकिंग मीडियम ओनली फॉर सर्किट ब्रेकिंग एंड प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन या फॉर नन ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज टू एक्ट एज सर्किट ब्रेकिंग मीडियम ओनली, मतलब भाई इसका इंसुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी आर्क को बुझाना है, मेरा यही पर्पस है, आर्क को बुझाऊंगा और एक मस्त वे में मिल जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसीविंग एंड वोल्टेज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज, तो मोहित कासनिया सर जी ऑफिशियल जो है यहाँ पे सी आंसर लगा रहे, तो बताया था मोहित कासनिया जी ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं, बेटा ऐसा काम मत कर रहे मेरे लाल, ऐसे काम ना कर मेरे लाल, चलो मेरा नाम तो बदनाम मत कर कम से कम। चल, द रिसीविंग एंड वोल्टेज फॉर अ लॉन्ग लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज, तो नो लोड कंडीशन की जब हम बात करते हैं, नो लोड कंडीशन की जब भी हम बात करेंगे, नो लोड कंडीशन की जब भी हम बात करेंगे, है ना, नो लोड कंडीशन की जब भी हम बात करेंगे, नो लोड कंडीशन की जब भी हम लोग बात करेंगे, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है फॉर अ लॉन्ग लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, फॉर अ लॉन्ग लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, नो लोड की कंडीशन है, तो बेटा रिसीविंग एंड वोल्टेज आपका ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, और जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा सेंडिंग एंड से, तो याद रखना इसी सिचुएशन में आपका एक इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट, इसी सिचुएशन में आपका एक इफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। सर एसएससी इलेक्ट्रिकल में ईईई एप्लीकेबल है, अरे ईईई पाकिस्तान तक चला जा सब एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करेंगे, आर्गन एक्ट ऐसा, एक आर्गन गैस की एक आर्गन आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो आर्गन किसकी तरह काम करती है, क्लियर है ना, आर्गन किसकी तरह काम करती है, एक आर्गन आर्क वेल्डिंग की तरह अगर मैं काम करवाऊंगा तो आर्गन इसके अंदर किसकी तरह काम करेगी, आर्गन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगी, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन किसकी तरह काम करती है, शील्ड टू प्रोटेक्ट वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, फिलर मटेरियल, एनर्जी सोर्स या फ्लक्स। आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन आपकी काम करती है किसकी तरह, प्रोटेक्शन देने की तरह, किसका प्रोटेक्शन, है ना, शील्ड प्रोवाइड करती है ताकि आपका जो अंदर का मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्या बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिंग चार्ट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट, द स्ट्रिंग चार्ट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट, दो छिपकली बैठी थी भाग गई, बता तुमको छिपकली बैठी थी भाग गई सर, जब ये एलिजिबल है तो रिजेक्ट क्यों करते हैं, कहां रिजेक्ट करते थे भैया अभिनव जी,
ना कहीं मैंने तुझे मैं खुद ही ट्रिपल ई ब्रांच का हूँ यार, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काहे लोड ले रहा है, मैं तो सिलेक्टेड हूँ, काहे से कहाँ से मेरे को रिजेक्ट कर दिया, किसी एग्जाम में करते हैं, सब में नहीं कर देते हैं। चलो तो गाइस, स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होते हैं, स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होते हैं वो क्या यूज करने के काम आते हैं, बहुत बच्चे इसका नाम लेकर के बोलेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्या नाम लेके बोलेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जैसा बाल पकड़ के 3 लपड़ मारना, इधर इधर मत मारना, इधर ही 3 मार लेना, ठीक है। तो जिन्होंने एबीसीडी पैरामीटर लिखा होगा वो बाल पकड़ के इधर मारना, और जिन्होंने कोरोना लिखा होगा ना तो सिर पर ऐसा सिर रखना और टेबल में ऐसे करके फोड़ देना सिर को, ठीक है। और जिन्होंने आंसर लगाया होगा टेंशन एंड सैग एट द टेम्परेचर, वो कुछ भी मत करना। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि भैया स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होता है वो सैग कैलकुलेशन के काम आता है, स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होता है वो बाकी इन सब चीजों के काम नहीं आता है जो आपने देखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, अरे कोई बच्चा अगर किसी पीछे वाले क्वेश्चन को दिमाग में लेके चल रहा है ना, वो थोड़ी देर वहीं रुक जाना, अभी वापस आ जाओ, ठीक है, अभी इधर वापस आ जाओ। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कठोर चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं, क्लियर है, कठोर चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको निर्माण करने के लिए कौन सी मैग्नेटिक, मतलब तुम लाके हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से क्या बनाते हैं, टेम्परेरी परमानेंट कंडक्टर। अबे जब लिखा है मैग्नेटिक मटेरियल तो उससे कंडक्टर काहे बनाएंगे भाई, क्या है भाई, इंसुलेटर काहे बनाएंगे भाई, या तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाएंगे तो परमानेंट, तो हार्ड से बनाई जाती है परमानेंट और सॉफ्ट से बनाई जाती है टेम्परेरी। याद रखना जिंदगी में सॉफ्ट चीजें, कोमल चीजें टेम्परेरी होती है, ठीक है, और हार्ड चीजें है ना, हार्ड चीजें, हार्श चीजें हमेशा जिंदगी भर परमानेंट ही होती हैं, ये बात ध्यान में रखना, है ना, ये बात ध्यान में रखना, जिंदगी में बहुत काम आएगा बेटा। चलो आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू क्लीट वायरिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ गया ना बे, समझ गया ना तुम, बहुत बढ़िया, गुड। Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? Regard to cleat wiring system. Cleat wiring वो wiring system होती है, ठीक है, जो पहले की जाती थी, वो wiring system होती है जो, बड़े मुन्ना भैया मेरे पहचान पहचान का लग रहा है, एक ऐसा ही स्टूडेंट था जो इसी तरीके से बातें करता था, पहचान तो दूंगा मैं, खैर अभी मेरे नाम तो कोई बच्चा आया चैट में, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहा है अपन, अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, पढ़ाई कर रहा है, मेरे नाम से एक बच्चा आया चैट में, पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़ाई करेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, फालतू तो कट्टी की कुकुर की यार, फिर बोल। Which of the following statement is not true with regard to the cleat wiring system? ठीक है, the inspection, alteration, addition can be made easily, installation and dismantling is easy, it is very inexpensive and can be reused, it is used for permanent. भैया क्लीट वायरिंग को कभी भी परमानेंट के लिए तो यूज करते ही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा था, इसमें लिखा है इट इज यूज फॉर परमानेंट वायरिंग, ना कभी भी नहीं करते, ये भैया इसके बारे में गलत बात लिखी है, बाकी किसके बारे में सारी बातें सही लिखी हैं, इसको इंस्पेक्शन, इसका अल्टरेशन मतलब इसको चेंज करना या इसको जोड़ा घटाना करना, ये सब इसका आसान है, इंस्टॉलेशन या डिसमेंटलिंग मतलब इंस्टॉल करना या उसको रिमूव करना भी आसान है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, इन लिखा है पढ़ जाना रे, आ जाओ नहीं तो आंख आंख ऐसी आ रही रहती है ना, तो इनकी जगह उसको केवल एक्सपेंसिव ही लिख रहा होगा, इनएक्सपेंसिव लिखा मतलब सस्ता ही होता है क्या, और उसको दोबारा यूज कर सकते, क्लियर। चलिए आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बात करते हैं, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड एज, बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, में फिर बोल रहा हूं गाइस, इंडिया बेस्ट इलेक्ट्रिकल एईजेई सेशन अभी चल रहा है, डेली शाम को 5 बजे से 6 बजे तक चलता है, 4 से 5 बजे तक चलता है, जितने भी बच्चे एसएससी जेईई डीआरडीओ के अलावा सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सभी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल है ना, यकीन मानो पेपर के एक दिन पहले तक पूरी आग लगा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो गाइस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या बोलते हैं, फैराडे, फैराडे साहब का पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे, क्या नाम था, पूरा नाम माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इनकैंडेसेंट बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब मतलब कौन से होते हैं, वो वाले जिसमें फिलामेंट लगता है, एक बल्ब है 40 वॉट का, एक बल्ब है कितने 60 वॉट का, इनको किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, कोई एक बल्ब जो होगा वो पावर कंज्यूम करेगा, एक बल्ब कुछ पावर कंज्यूम करेगा, दोनों मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, तो दोनों मिलके जो ये टोटल पावर कंज्यूम करते हैं ना मेरे लाल, वो करते हैं P1 P2 अपॉन
P1 प्लस P2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 24 डिवाइडेड बाय 10, ये मेरे हिसाब से कितना निकल के आ जाएगा, 16 into 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 16 into 40 डिवाइडेड बाय 100 ये निकल के आ जाएगा 24 वॉट। 24 वॉट तो साला आंसर में ही नहीं है बे, बट एक चीज, अच्छा दोनों मिलके टोटल पावर कितनी कंज्यूम करेंगे, 24 वॉट, लेकिन आपसे उसने बोला दोनों बल्ब टुगेदर कंज्यूम करेंगे, तो ना ना 60 वॉट वाला ज्यादा चमकेगा नहीं, लो रेटिंग वाला ज्यादा चमकता है और हाई रेटिंग वाला कम चमकता है। याद रखना बेटा, जिसकी रेटिंग कम है ना वही ज्यादा चमकता है मार्केट के अंदर, जिसकी रेटिंग पहले से ज्यादा है ना उसकी चमक उतनी नहीं है। तो ज्यादा रेटिंग की तरफ ध्यान मत दिया करो, कम रेटिंग और हार्ड मटेरियल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया करो, जीवन में खुशी मिलेगी। जिसको अपने खुद के नाम से शर्म लगता है वो दूसरों का नाम यूज करता है। अरे आराम से आ जाए, नहीं भाई कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा मोहित कासन है ऑफिशियल, अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आंसर दे रहा कर कर कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लाइटनिंग सर्किट इज, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लाइटनिंग सर्किट इज, एक लाइटनिंग सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, क्लियर है ना, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में लगाया था तो कौन ज्यादा चमकेगा, पैरेलल में लगाओगे, पैरेलल में लगाएगा तो ज्यादा रेटिंग वाला ज्यादा चमकेगा, ठीक है, ज्यादा रेटिंग वाला ज्यादा चमकेगा। चलो तो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं, एक लाइटनिंग सर्किट के अंदर वो कितना है, मात्र 2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, 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 क्लियरिटी है, यस सर क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विच मोटर शुड वुड यू सिलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर के लिए कौन सी मोटर को हम लोग प्रेफर करते हैं, यस धीरज, यस यस वैक्यूम क्लीनर के लिए हम लोग कौन सी मोटर को प्रिफर करते हैं। दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ एसटीएफबी एंड सम क्वेश्चन आर आल्सो फॉर एसटीएए, ठीक है। व्हाट वुड यू लर्न, और एसएससी जेई के स्पेसिफिकली है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, व्हाट वुड यू सिलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर, और ये क्लास डेली शाम को 5 से 9 रहेगी, आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता, उसके पहले तक चलती रहेगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और सैटरडे संडे शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भी चलती है क्लास भाई, 4 से 5 भी चलती है क्लास, ठीक है। चलिए, विच मोटर वुड यू सिलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर, एक वैक्यूम क्लीनर के लिए कौन सी मोटर को सिलेक्ट करते हो, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मोटर क्या मोटर होती है, जो एसी डीसी दोनों पे चलती है, यस ऋषिका, जो एसी डीसी दोनों पे चलती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मास्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टेरेसिस मोटर इज करेक्ट, इनमें से कौन सी एक मोटर, कौन सी स्टेटमेंट सही है एक शैथिल्य मोटर के लिए, शैथिल्य मोटर मतलब हिस्टेरेसिस मोटर का मेजरमेंट कंप्लीट कर लिए हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, असना मत लोड लो ज्यादा कुछ क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चन का लोड मत लो, कुछ क्वेश्चन का लोड मत लो, ठीक है। चलो तो गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टेरेसिस मोटर इज करेक्ट, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन, कौन सी मोटर है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस मोटर कहां लगती थी पुराने जमाने में, टेप रिकॉर्डर में, जिसमें हम लोग क्या लगाते थे कैसेट, जिसमें क्या चलता था गाना, कौन सा गाना आता था, ठीक है ना, कौन सा वाला गाना आता था, जो भी गाना आप सुनते थे पुराने जमाने का, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस मोटर के अंदर वो गाना सुनाई देता था, रोज सुबह चालू हो जाता था, शाम को चलता रहता था, तो उसके अंदर से कभी आवाज आती थी, देखी कभी आवाज कैसेट के रील होने की, नहीं देखी, तो इसके अंदर नॉइस लेवल जो है वो वेरी हाई नहीं होता भाई साहब, नॉइस लेवल जो है वो लो होता है, तो ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, विच मोटर है करेक्ट, करेक्ट लिखा है, तो नॉइस लेवल स्टेट मोटर हाई नहीं भाई, ये करेक्ट नहीं है, ये क्या है इनकरेक्ट है, इसमें पूछा था इसमें करेक्ट पूछा था, ये तो इनकरेक्ट है, इट हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस, नहीं ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, इट्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज ड्यू टू हाई रोटर रोड, इट्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज, तो एक ही बात गलत लिखी हुई है इसके अंदर, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होती है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होती, क्लियर। सो डिजिटल बहुत ही हार्ड आ रहा है सब इंजीनियर में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सौम्य वो किसी से भी नहीं बने थे बेटा, जो आपने देखे भूल जाओ, वो किसी से भी नहीं बने थे, आपको पता है हाईएस्ट नंबर कितना गया था सब इंजीनियर का, वो भी तो देखा करो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एन एसी करंट, इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, जो डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एसी करंट, एक एसी करंट की क्वांटिटी को डायरेक्टली एप्लीकेबल डायरेक्टली कौन मेजर नहीं कर पाता, हॉट वायर एसी को डायरेक्टली कौन नहीं करता बे, पीएमएमसी, कौन नहीं करता बे, पीएमएमसी, पीएमएमसी का मतलब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, सारे बच्चे शतक मारेंगे अभी जल्दी से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैट बॉक्स में मैसेज करने लायक बन जाएं,
क्योंकि जब तक आप मैसेज नहीं कर पाओगे, जब तक लाइक नहीं कर, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को फटाफट जल्दी से लाइक करो और 100+ करो, जल्दी से शतक मारो यार फटाफट जल्दी फास्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी, एक सेकंड के अंदर अंदर यार इतनी एनर्जी आ जानी चाहिए सेशन के अंदर, जल्दी फास्ट। हमारे बच्चों में एनर्जी बचती थी 5 बजे, उनको बोलो ना चुटकी बजाओ, बोलो मैं एक दो चुटकी बजाते यूं करेंगे फिर से, अबे एनर्जी होनी चाहिए प्रॉपर एकदम जल्दी। चलो फाइंड फाइंड द करंट है ही नहीं भाई, तो कहां से करंट निकलेगा, फाइंड द वोल्टेज भी नहीं, वोल्टेज कहां से निकलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड एज अ ट्रैक्शन मोटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो भाई साहब ट्रैक्शन मोटर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी मोटर को प्रेफर करते हैं, ट्रैक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए कौन सी मोटर को प्रेफर करते हैं, ट्रैक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए कौन सी मोटर को प्रेफर करते हैं, प्रेफर किया जाता है, तो ट्रैक्शन के लिए प्रेफर करते हैं एकमात्र डीसी सीरीज मोटर को, हमेशा के लिए कान खोल के यहां पे लिखवा लेना क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एन एनालॉगस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट परमिएबिलिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, परमिएबिलिटी का एनालॉगस क्या है, एनालॉग मतलब परमिएबिलिटी है मैग्नेटिक मटेरियल की टर्म, उसका इलेक्ट्रिकल में क्या निकल के आएगा, तो बेटा इलेक्ट्रिकल में परमिएबिलिटी का क्या निकलेगा, तो परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, परमिशन टू फ्लो ऑफ फ्लक्स, तो इसका इलेक्ट्रिकल में निकल क्या निकल जाना चाहिए, फ्लक्स का फ्लो होने को परमिशन देना। जैसे मान लो ये मेरा एक फोन है, तो ये फोन जो है मेरा ये ज्यादा परमिशन दे रहा है मान लो अपने अंदर से फ्लक्स को पास होने के लिए, और एक फोन ये वाला मान लो ये आपका क्या कर रहा है, कम परमिशन दे रहा है फ्लक्स को फ्लो होने के लिए, तो ज्यादा परमिशन कौन दे रहा है, ये वाला, कम परमिशन कौन दे रहा है, ये वाला, जब एक ज्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, एक ज्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, तो जब एक ज्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, एक ज्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, क्लियर, एक ज्यादा दे रहा है और एक कम दे रहा है, तो एक ज्यादा पास होने दे रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल में जो ज्यादा करंट पास होने दे दे, तो ज्यादा करंट पास होने कौन देगा, जो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, मतलब उसका क्या ज्यादा होगा, है ना, उसका क्या ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी, द करेक्ट आंसर इज कंडक्टिविटी। कितने सारे फोन है हम लोग उसे झूठ बोलते हो, भैया ये फोन चालू नहीं होता है, ये वाला ये चालू नहीं होता है, चालू यही वाला होता है, समझ में आ रहा है, ये चालू नहीं होता है ये चालू होता है, कितना फोन चालू एक ही होता है इसमें से। चलो अभी जरूरत नहीं पड़ी है दो दो फोन की, एक फोन से काम हो जाता है, अभी जरूरत नहीं पड़ी दो दो फोन की, एक फोन से काम हो जाता है। नेक्स्ट, डैश लॉस अकर्स इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एंड अ सॉलिड इंसुलेशन ऑफ एचवी ट्रांसफॉर्मर्स, फेंक दो उसको, वो फेंका ही हुआ था अभी इतने दिन बाद टेबल पे आया है, उसको निकाला भाई 2-3 दिन में उसको सही करवाना है, इसलिए उसको निकाल के रखा है बाहर। डैश लॉस अकर्स इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एंड अ सॉलिड इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, बेटा एक बार बताओ एक ऑयल और एक सॉलिड इंसुलेशन के बीच में कौन से लॉस पाए जाते हैं, एक ऑयल और एक सॉलिड इंसुलेशन के बीच में कौन से लॉस पाए जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक, देखो ऑयल मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेशन भी क्या है डाइलेक्ट्रिक, तो इनके बीच में बेटा कौन से लॉस पाए जाएंगे, ऑलवेज कौन से लॉस पाए जाएंगे, है ना, कौन से लॉस पाए जाएंगे, इनके लिए पाए जाएंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस, कौन से लॉस पाए जाएंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन सोडियम वेपर लैंप इज, एक सोडियम वेपर लैंप के अंदर कौन सी गैस को प्रेफर करते हैं, एक सोडियम उस फोम, हो गया बेटा आजा विपिन आजा, मैंने बोला ना अभी बहुत समय नहीं आया है, चल आजा। द गैस यूज्ड इन सोडियम वेपर लैंप इज, एक क्वेश्चन सेंड, क्या हो गया रे तुम लोगों को बे, इधर पढ़ाई करने आ जाओ ना बे, गैस यूज इन सोडियम वेपर लैंप इज, तो जब हम सोडियम वेपर लैंप की बात करते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ है, उसके अंदर जो गैस प्रेफर करी जाती है वो ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो इंसानों को चाहिए, वो सोडियम वेपर लैंप में क्या करेगी भाई, नाइट्रोजन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन तो आइसक्रीम के ऊपर डाल के खाते हो, स्मोक पान खाते हैं, ये भी नहीं होगी, एयर काय को भरेगा सोडियम वेपर लैंप के अंदर, वो तो पहले से ही है ना, पहले से मार्केट में बाहर अलग से तो भरेगा नहीं, तो उसमें भर दो आर्गन, जब कुछ नहीं पता ना तो ऐसे भी आंसर निकाल दिया जाता है, जब कुछ नहीं पता हो तो ऐसे भी आंसर निकाल दिया जाता है, जब कुछ नहीं पता हो तो ऐसे भी आंसर निकाल दिया जाता है, समझे क्या, समझे।
Which of the following circuit breaker has highest reliability and minimum maintenance? इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है परिपथ वियोजक है जिसकी विश्वसनीयता और न्यूनतम अनुरक्षण होता है, मतलब सबसे कम मेंटेनेंस चाहिए, मतलब लगा के छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, लगाए 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 लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मतलब तेल वाला तो नहीं होगा क्योंकि तेल तो बार बार बदलना पड़ता है, समझे। सर्किट ब्रेकर SF6, भाई SF6 में रिलायबिलिटी तो है बट मेंटेनेंस तो लगेगा। एयर, एयर तो भूल ही जाओ बेटा, एयर की रिलायबिलिटी सबसे कम होती है, कब पता क्या पता एयर वेदर आपकी वो उसको कर पाए कि नहीं कर पाए, आर्क को एक्सटिंग्विश कर पाए। वैक्यूम ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरा भरोसा है कि आर्क भी एक्सटिंग्विश होगी और रिलायबिलिटी तो वो सॉरी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस की तो बात ही मत करो, वैक्यूम का काय का मेंटेनेंस है, वैक्यूम का कौन सा मेंटेनेंस होता है। चलिए नेक्स्ट, इन अ डीसी मशीन द मेन पार्ट्स वेयर कोर लॉसेस सिग्निफिकेंटली अकर एट। डीसी मशीन के अंदर, डीसी मशीनों में मुख्य भाग जहां पर कोर लॉस होता है वो क्या होता है, डीसी मशीन में मुख्य में, डीसी मशीन में मेन पार्ट बताएं जहां कोर लॉस होता है वो क्या होता है, वो क्या बोलते भैया, वो को क्या बोलते भैया जहां पे कोर लॉस पाया जाता है, जहां कोर मटेरियल होता है, कोर मटेरियल कहां होता है, आर्मेचर में होता है, कोर फेस में भी होता है, दोनों जगह होता है मास्टर, दोनों जगह पाया जाता है मास्टर, दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ डब्ल्यू इज द एनर्जी इन जूल, जूल जूल टी इज द टाइम इन सेकेंड, पावर एसोसिएटेड विद दोस क्वांटिटी, डब्ल्यू एनर्जी है जूल में और पावर क्या है, और सॉरी पावर एसोसिएटेड विद दोस क्वांटिटी कितना है ना, जल्दी बोलेंगे रे मेरे लल्ला, जल्दी बोलेंगे रे मेरे लल्ला, जल्दी सर धीरे बोलिए, हेडफोन लगाया, हेडफोन नहीं रे हेडफोन बोलते रहे मेरे चुकंदर, W is the energy in joule, T is the time, तो पावर कितनी होगी, तो बेटा बहुत प्यार से आराम से कैसे करते हैं, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्या मस्त मजा आया सर, ये एनर्जी और ये टाइम, ये पावर चाहिए था, ये हो गया खत्म हो गया, और क्या बचा था जीवन, इसके अलावा कुछ बता था जीवन नहीं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ मास्टर जी, देखो वॉट विल बी द रिलेशन बिटवीन, एक क्या रिलेशन है, करंट थ्रू अ प्योर इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब एक प्रेरक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा और उस पे लगा हुआ विभव या वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है, संबंध की बात करता है भाई, तो हमें पता है कि करंट जो है हमारा 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, करंट हमारा 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, तो करंट विल लैग बाय 90 डिग्री, सब खत्म हो गया। हाँ मेरा भाई कोई मोहित 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 का कोई डाउट आया, भाई मोहित का सनिधि का डाउट आया है सर, SF6 का मेंटेनेंस टाइम वंस इन 1000 टाइम्स ऑन ऑफ के बाद होता है, फिर मेंटेनेंस कैसे होगा, अबे इसी को तो बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री है, इसलिए तो बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री है, कैसी बात करता है रे तू, तू भी चम्मच। चल नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट वेवफॉर्म इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ, है ना, the ratio of, clear, the ratio of RMS value to the average value of an alternating current waveform is called as, अरे SF6 नहीं होगा भैया, SF6 नहीं होगा, वैक्यूम ही होगा, लो मेंटेनेंस वैक्यूम में होता है, हाई रिलायबिलिटी भी, दोनों एक साथ जो है वो आपको वैक्यूम में देखने को मिलेगी, इसलिए वैक्यूम लगाया है। चलो आ जाओ, अकेला ये पूछता सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी किसकी है तो SF6 में बोल दूंगा। तो रेशियो ऑफ RMS टू द एवरेज, RMS अपॉन एवरेज वैल्यू जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इस प्यारे से फैक्टर को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, रिलायबल वैक्यूम जैसे क्यों आई भी है, वैक्यूम रिलायबल का ही नहीं है, फट जाएगा वैक्यूम। अब आर के राजपूत में तुमने पढ़ लिया, अब आर के राजपूत साहब ने बुक लिख दी लेकिन उसके बाद उसको वो सही करना भूल गए, सही करना मतलब करेक्शन करने भूल गए, तो फिर क्या करोगे, नॉर्टन अंकल या नॉर्टन, व्हाट नॉर्टन भाई क्या हालचाल, बढ़िया, चलो आंसर बताओ, नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या बोलते थे तुम, एंटायर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ टर्मिनल कैन बी रिप्लेस बाय, चोर थ्योरम स्टेट्स दैट एंटायर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ टर्मिनल कैन बी रिप्लेस एज सिंगल वोल्टेज, और चल भाग ये तो थेवेनिन का था, चोर तू है, तू कहां आएगा करंट, करंट और वो तूने कहां में लगाएगा, पैरेलल में सिंगल रेजिस्टेंस, समझे क्या, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक सिंगल करंट सोर्स है, एक सिंगल करंट सोर्स है जिसके साथ रेजिस्टेंस कायम लगा हुआ है,
पैरेलल में लगा हुआ है, जिसके साथ रेजिस्टेंस काय में लगा हुआ है बेटा, पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक। चलिए चोर वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इफ थ्री इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर तीन इंडक्टर को मैं पैरेलल में लगा दूं, देखो पैरेलल में कैसे लगते हैं, एक दो तीन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पावर अक्रॉस ऑल द इंडक्टर विल बी सेम, थर्मल लॉस अक्रॉस द इंडक्टर विल बी सेम, करंट अक्रॉस ऑल द इंडक्टर विल बी सेम, वोल्टेज अक्रॉस ऑल द इंडक्टर। दो कोड़ी का सवाल था, जब भी कोई चीज पैरेलल में लगाओगे तो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। अरे मैं तो बोलता हूँ, है ना, मैं तो बोलता हूँ, क्लियर, मैं तो बोलता हूँ कि आप तीन लोग आपस में ऐसे दो हाथ करके पैरेलल में खड़े हो जाओ तो आपके सामने भी वोल्टेज सेम ही होगा। चलो आ जाओ। इन अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की अगर मैं बात कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में क्या होती है, जब भी आपको शेडेड पोल इंडक्शन मोटर पढ़ाई जाती है तो तब हमेशा आपको बताया जाता है, तब हमेशा आपको बताया जाता है कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के केस में हमेशा नॉन शेडिंग से शेडिंग बैंड की तरफ मूव करना है, नॉन शेडिंग से शेडिंग बैंड की तरफ मूव करना है, नॉन शेडिंग से शेडिंग बैंड की तरफ मूव करना है, नॉन शेडिंग से शेडिंग बैंड की तरफ मूव करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट का डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक, एक इंस्ट्रूमेंट का डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट का डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। डायनामिक पूछिए, डायनामिक डायनामिक डायनामिक, फिडेलिटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, हिस्टेरेसिस। करेक्ट आंसर इज ऑलवेज फिडेलिटी, करेक्ट आंसर इज ऑलवेज फिडेलिटी। समझे क्या, समझे क्या? ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वालों को जब कभी बोलोगे ना, आप किसी को बोलोगे ना ऐड करने के लिए, तो आप उनको बोलेंगे चार नाम पढ़ के बताओ, तो ऐसे ही पढ़ते हैं, फिडेलिटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, हिस्टेरेसिस। समझे? अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, कैलकुलेट डिमांड फैक्टर। क्या होता है बेटा डिमांड फैक्टर? डिमांड फैक्टर का मतलब ये होता है ना, डिमांड फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिमांड फैक्टर का मतलब होता है मांग कारक। कौन? मांग कारक। तो डिमांड फैक्टर मतलब होता है क्या, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड ये रही, कनेक्टेड लोड ये रहा, मैक्सिमम डिमांड कितनी है 40 डिवाइड बाय 20। देख के नहीं लग रहा 20 बाय 40, 20 बाय 40, 20 बाय 40, 20 बाय 40, पॉइंट 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 55 के आसपास, कहीं कहीं 0.46। समझे? सूची सूची सूची। सर करंट चॉपिंग फिनोमिना कम होता है SF6 जबकि वैक्यूम और ECB में करंट चॉपिंग फिनोमिना ज्यादा होता है, हिसाब से SF6 की रिलायबिलिटी हाई होगी। बट सूची मेंटेनेंस की भी तो बात करनी है साथ में, दोनों को एक साथ लेना। आप वर्ड सिर्फ रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी पे जा रहे हो, आप मेंटेनेंस पे नहीं जा रहे हो। मेंटेनेंस के मामले में ज्यादातर अच्छा कौन है ना, ज्यादातर अच्छा कौन है ना, अब वैक्यूम, तो दोनों को एक साथ लेके चलना है। मेरा मोबाइल हैंग मार रहा है तो तुम भी उसको हैंग मार दो। सूची नाम किसने रखा, सही में अपना नाम सूची नहीं, सूची उसका आंसर SF6 नहीं होगा, उसका आंसर वैक्यूम ही होगा। बात मेरी बात मान लो, मैं ऐसा करके बोलता हूं, उसका आंसर वैक्यूम ही होगा। आप चेक कीजिए, कहां पे चेक कर लो, कहां पे चेक कर लो बोलो उसमें बेटा। दोनों देखो, किसी किताब को मत बोलो, किसी किताब को मत बोलो सोचिए, ऐसा है किसी किताब के ऊपर मत जाओ, किताब में आंसर दे दिया होगा, दैट डजंट मीन, बट आप लॉजिकली सोचो, उसने आपसे दोनों चीज पूछी है। रिलायबिलिटी अकेला पूछता, मैं SF6 लगा देता करंट चॉपिंग की वजह से, रिलायबिलिटी के साथ साथ, रिलायबिलिटी के साथ साथ, क्लियर, साथ साथ उसने एक और चीज पूछी। ग्रीन आंसर कौन लगाता है, मैं, टेक्स्ट बुक कौन, मैं, फिर काय को उंगली करते हो बे, फिर काय उंगली करते हो, चलो बोल दिया ना एक बार। चलो इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस, इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, क्लियर, इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल, है ना, द पोटेंशियल ड्रॉप इन मैक्सिमम अक्रॉस। पावर सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन की PDF काय को देते हैं, बोला था ना साथ में पैरेलल में नोट्स बना लेना, साथ में बोला था ना पैरेलल में नोट्स बना लेना, बोला था कि नहीं बोला था रे? चलिए बताइए, मैंने सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम किसके अक्रॉस होता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होता है, टॉप
लोवेस्ट सेंटर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ द डिस्क, तो ये बेटा सबसे ज्यादा होता है सबसे नीचे वाली डिस्क पे। सबसे नीचे वाली डिस्क जो होती है उसके सबसे ज्यादा फटने के, ब्रेक होने के चांसेस भी होते हैं। सभी बच्चे गाइस एक बार सेशन को लाइक करेंगे फटाफट, जल्द इस तरह पे एक बार और उस क्वेश्चन पर वापस जाएं। ये टेस्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैं भी टेस्ट बुक का ही हूँ, ठीक है। तो सोचिए ऐसा है कि मेरा बोलना सही होगा, कभी कभी मेरा राइटअप गलत हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, चैट टेस्ट हो जाए वहां पर, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। चलिए तो फटाफट जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर दो यार, फटाफट जल्दी फटाफट 125 के ऊपर लाइक हो जाने चाहिए जल्दी से। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी। सोचिए चिंता मत करो, बिल्कुल मैं गलत नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अगर कल कोई क्वेश्चन आएगा, कल कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्शन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, चिंता मत करो, डोंट वरी। अरे आपने आंसर, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो टेस्ट बुक के हैं, तो अब आंसर तो इसमें वही दिखाएगा जो टेस्ट बुक में दिखाएगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो सही है, तभी तो मैं क्लास लेने आया हूं यार, तभी तो मैं क्लास लेने आया हूं। अरे मैं क्लास लेने का ही आता फिर, वो कसम से मेरे को आजकल ना इतनी हंसी आने लग गई है कि हमारे बच्चों को, पता है हमारे बच्चों को जब मैं ये लिखता हूँ ना, तो वो बोलते हैं, मैं उनको बोलूंगा बेटा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेंटर ऑफ डिस्क होता है, बच्चा बोला हाँ नहीं ये हरे हरे में होता है, मतलब उसको ये हरे हरे में भरोसा, मेरी बात पे भरोसा नहीं है यार, गजब हो गया भाई, उसको ये हरे हरे में भरोसा, अरे ये हरा हरा फटाफट फटाफट टाइपिंग में हो जाता है। पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज, पावर लॉस जो होता है ट्रांसफॉर्मर में वो काहे के लिए होता है, पावर लॉस जो होता है ट्रांसफॉर्मर में वो काहे के लिए होता है, पावर लॉस जो ट्रांसफॉर्मर में होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ करंट बिटवीन, पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर नोन एज डिफरेंस ऑफ करंट बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल, एडिशन ऑफ पावर इन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कॉइल, डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। जल्दी बोलो भैया, क्या प्यारा सवाल है, क्या प्यारा सवाल है, जल्दी बोलिए फटाफट जल्दी 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 फास्ट, क्या प्यारा सवाल है गाइस, क्या प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, क्या प्यारा सवाल, जल्दी करेंगे बहुत बढ़िया। चलो तो गाइस याद रखेंगे डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, तो बेटा याद रखना प्राइमरी के अंदर से लॉस को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी मिल जाएगा, तो प्राइमरी माइनस सेकेंडरी करोगे तो क्या आएगा, लॉस आएगा। ये तो पूछा था प्राइमरी सेकेंडरी के बीच के पावर के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, है ना, पावर के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं लॉस, ठीक है। हरा हरा आया क्या, आया। चलो इन इंडक्शन वॉट मीटर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डैश वोल्टेज अंडर मेजरमेंट, भैया एक इंडक्शन वॉट मीटर की बात करी जा रही है, मतलब नॉर्मल वॉट मीटर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है टॉर्क की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज अंडर मेजरमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ क्या, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, हम तो क्वेश्चन भी सही कर देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, तो याद रखना बेटा इसका इनवर्सली से कोई लेना देना नहीं है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, वो भी रीजन बता देता हूं, एक में होता है I1 I2, ठीक है, तो बस यहीं से आपका वोल्टेज का भी स्क्वायर हो जाता है, जैसे करंट का स्क्वायर होता है वैसे ही वोल्टेज का भी स्क्वायर हो जाता है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं, ठीक है। चलो ग्रीन ग्रीन हर जगह मत देखा करो, ग्रीन ग्रीन जहां पे दिखता है, जहां देखने की इच्छा है वहीं पे देखो, उस पे मतलब वो तो मैं वही बोलूं ना, क्या है ना दिमाग में वो हरा हरा दिखने लग गया है तो अब क्या करें, है ना, हरा हरा दिमाग में भर गया तो फिर क्या करें, तो कुछ जगहों पे हरा है कुछ जगहों पे नहीं है, भैया आ जाओ इधर पढ़ाई कर रहे हैं अभी इधर। द एंगल बिटवीन द रोटर पोल एंड द स्टेटर पोल इन अ सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड एज, द एंगल बिटवीन द, है ना, द एंगल प्रीवियस क्वेश्चन पे सी क्यों नहीं होगा बताओ भैया, प्रीवियस क्वेश्चन में सी पर क्यों नहीं होगा, इसकी बात कर रहा है तू, इसकी बात कर रहा होगा तू, है ना, भले इसकी बात कर रहा होगा तू, एक्चुअली तेरे साथ दिक्कत क्या, जब तक बाकी बच्चे चैट में मैसेज करते रहते ना तब तक तू टेस्ट देखते रहता है, ऐसे करते रहता है, ये होगा इसका आंसर, फिर बोलता है वो कहां जाएगा, रुको ये गलत हो जाएगा, ऐसा काय को करता है बे, जब ये लिखा पावर लॉस तो ये डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैसे हो जाएगा बे, ये डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट नहीं होगा ना। चल एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग हो गया, एक सेकंड रुको, मेरा फेस एक्सप्रेशन देखता है तुम, है
क्या दिखता है उसमें? नेहा श्री जी सर बताइए ना, क्या बताइए नेहा श्री जी बताइए ना, ये तो बताइए आपको बताना क्या है, आपका चैट ऊपर चला गया सर। फोन के लिए, फोन किस लिए दो है, जरूरी सब बात बता दी जाए, जरूरी सारी बात बताना जरूरी है। फोन दो क्यों है, फिर पूछ जाएगा सिम चार क्यों है, एक सिम से काम नहीं होता क्या, तो चार क्यों लगा के रखी है। सब बता दो, लोगों के भाव बढ़ा दे, सब बता बता के चलो। डीआरडीओ सेप्टम 10 का प्रीवियस ईयर बुक कहाँ मिलेगा? ये आपने बहुत खतरनाक सवाल पूछा है। डीआरडीओ सेप्टम 10 का प्रीवियस ईयर बुक या प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने में आपको उतनी ही मेहनत लगेगी जितना आपको उसका एग्जाम क्लियर करने में लगेगी। तो बेस्ट ये है कि आप उसका एग्जाम क्लियर करने में मेहनत लगा दो, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढने में आपको उतनी ही मेहनत लगेगी जितना पेपर को क्लियर करने में लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलने वाला नहीं है नया जी। ठीक है, डीआरडीओ अपना पेपर वापस रख लेता था, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिलना नहीं है। मैंने मैंने अभी तक कम से कम इतने लोगों से बात कर ली है पिछले 1 महीने में, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो डीआरडीओ के लेवल के क्वेश्चन है, तो कृपया करके इन्हीं पे ध्यान दें, यही ज्यादा बेटर है। ठीक है, कहाँ घूम रहे हो लाला? आ जाएं, आ जाओ। चलिए ये आ गया भैया सवाल आपके सामने, आपका ये आपका सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा द एंगल बिटवीन द रोटर पोल के बीच का एंगल और स्टेटर पोल के बीच का एंगल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, रिटार्डिंग तो बोलते ही नहीं, ये भी नहीं बोलते, टॉर्क एंगल या सिंक्रोनाइजिंग एंगल। द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क एंगल, दिस इज कॉल्ड एज, बेटा क्या बोलते हैं इसको प्यार से? टॉर्क एंगल बोला जाता है इसको, प्यार से क्या बोलते हैं? टॉर्क एंगल बोला जाता है इसको, प्यार से क्या बोलते हैं मेरे लाल? टॉर्क एंगल बोला जाता है। चलिए तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको आज ही बताया कि टेस्ट बुक के टीचर्स डे के उपलक्ष्य में गाइस, टेस्ट बुक ने आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट ये है कि जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे जब आप चैट बॉक्स में जाओ, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा AJE इलेक्ट्रिकल, है ना, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे DRDO या SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपके पास टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फाइनली, और आपको करना कुछ नहीं है गाइस, सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे कि टेस्ट बुक सुपर कोचिंग है क्या। गाइस टेस्ट बुक सुपर कोचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सारी चीजें यही प्रोवाइड कर दी जाए, आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना लिया जाए। तो गाइस टेस्ट बुक सुपर कोचिंग को अगर आप आज एनरोल करते हो तो वो आपको सिर्फ 4067 रुपीज का, वो भी टोटल 15 महीनों के लिए, सिर्फ 2-4 महीनों की बात नहीं, 15 महीनों के लिए। सर क्या मिलता है इसके अंदर? एक तो बेटा आपको इसके अंदर नॉन टेक्निकल का बैच मिलता है अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट के टीचर के भी बैचेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपके सामने सब दिख रहे हैं। सर और क्या मिलता है सर आपको, और क्या मिलता है? तो गाइस आप सभी की जो डिमांड है, मोहित सर आपसे पढ़ना है तो मेरा बैच तो यहाँ पे आपको यहीं पर मिलेगा, मेरा बैच यहीं पर अवेलेबल है। ठीक है सर, कैसे मिलेगा वो भी बता दीजिए। तो गाइस आपको करना क्या है, टेक्सटबुक सुपर कोचिंग को एनरोल करना है, उसके बाद आप इस बैच पर क्लिक कर लीजिएगा। मोहित का सर है ये किसके लिए? डीआरडीओ STA B के लिए, STA A का ये वाला रहा और नॉन टेक का ये वाला रहा। सर मुझे तो SSC JEE की तैयारी करनी है, SSC JEE के लिए ये वाला रहा। सर ये सारे बैचेस अलग अलग परचेस करना पड़ेंगे क्या? नहीं, अगर आप टेक्सटबुक सुपर कोचिंग में एनरोल होते हो तो ये सारे बैचेस जितने आपको दिख रहे हैं सब एक्सेस कर सकते हो, प्लस आप क्या एक्सेस कर सकते हो, मेरी सारी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, ये आपको मेरी सारी लाइव क्लासेस दिखेंगी, प्लस डीआरडीओ की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी, SSC JEE की भी फ्री की है, MP सब इंजीनियर की भी फ्री भी है, RRB JEE की सबकी टेस्ट सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही नहीं गाइस, इसकी जो कॉस्ट है अभी वो सिर्फ 387 रुपीज पर मंथ है, लेकिन इसमें भी गाइस अगर आप मोहित के कूपन कोड लगा देते हो, जो कि आपको लगाना ही चाहिए, मोहित के टेक्स्ट बुक पर चलने वाले सारे कोर्सेस के लिए एक यूनिवर्सल कूपन कोड है, और ये आपको SSC बैंकिंग डिफेंस UPSC इंश्योरेंस पुलिस टीचिंग ट्रेनिंग गेट ACAE JEE सब जगह लगता है, और आफ्टर द कोड गाइस सिर्फ 271 रुपए मतलब 271 रुपीज पर मंथ में मिलने वाला, जो कि इसकी अपने आप में सबसे बेहतरीन कॉस्ट है। क्लियर? तो फटाफट आज इसको ले लो यार जल्दी से, आज के बाद कभी इतना सस्ता नहीं होगा। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सर आप SSC JEE के लिए YT पर क्लास कब लेते हो? टाइमिंग सर 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक, जिस क्लास में अभी आप थे वो SSC JEE के लिए भी है, और 4 से 5 एक्सक्लूसिवली है, एक्सक्लूसिवली है, आज नहीं थी बाकी रोज रहती है। ठीक है, कहाँ कौन पूछा था? गंशिका जी। ठीक है गंशिका जी, चलिए तो गाइस आपको मैंने अपना टेलीग्राम चैनल की आईडी दे दी, फटाफट सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लो, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल कर लो ताकि मचाते हैं, और जो बच्चा चाहता है मेरी लाइव क्लास अभी 6:30 बजे भी है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में, कोई बच्चा ऐसा चाहता है
वो मोहित के कोट फटाफट लगा के 6:30 बजे आ जाए सुपर कोचिंग में, तो मस्त वे में मचाना है। ठीक है चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।